हाय एवरीवन, दिस इज लंगत कोठारी, नाउ वाचिंग यू कोठारी के रीसेंट। सो गाइस, आज की जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। जी हाँ, काफ़ी स्मूथ कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो ना, आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो सबसे पहले तो, और वीडियो को लाइक कर देना देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो। बट उससे पहले चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, होता क्या है, हम कोई भी अपने फ़ोटो को स्मूथ नहीं कर पाते। मतलब आप पिक्सआर्ट से भी कर सकते हो और लाइटरूम से भी, तो वो अच्छी क्वालिटी में नहीं हो पाता है HD में। तो गाइस, मैं आपको एक ट्रिक दिखाने वाला हूँ। जैसे कि फ़ोटो आप देख सकते हो, तो इसी की तरह आप HD में बिल्कुल आप अपने फ़ोटो को स्मूथ कर सकते हो और फेस को क्लीन कर सकते हो और वाइट भी कर सकते हो। वो थोड़ा लाइटरूम में कर सकते हो आप जाके थोड़ा वाइट, वो उसकी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कैसे आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो, मतलब वाइट कर सकते हो। तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा या एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो देख सकते हो गाइस ये क्या क्वालिटी है। बेसिकली ये थंबनेल है ये जो जिस पर आपने क्लिक किया है, और देख सकते हो इसी तरह बिल्कुल स्मूथ आप कैसे अपने फेस को कर सकते हो। तो इस वीडियो में बने रहो। और हाँ, जो मैं ये ऐप यूज़ करने वाला हूँ उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल मोड है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे फ़ोटो ले लेते हैं, कहाँ पर है वो फ़ोटो हमारा जिसको हमें स्मूथ करना है फेस को, कहाँ पर है। कहाँ गया यार, अभी तो यहीं पे था। ये रहा फ़ोटो, तो देख सकते हो कितना स्मूथ है। ऑलरेडी बस ये लाइटरूम से एडिट किया हुआ फ़ोटो है बस, और इसमें स्मूथनेस आ नहीं रही है। तो इसका मैं आपको थेट वाट करके डिटेल्स में दिखाऊंगा लास्ट में कि इस फ़ोटो की क्वालिटी क्या थी। तो सीधा यहाँ पे कर लेना है, ऑटोडेस्क में ओपन कर लेना है। तो देख सकते हो इस ऐप का लिंक यार आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर पता है बहुत से यूज़ करते हैं वो कुछ, मतलब 15-20 सेकंड देखते हैं और उसको यूज़ करते ट्रिक को अच्छी नहीं लगी, अरे अरे हो नहीं पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप कर पाओगे बड़ी इसी तरीके से। तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी में आना है और नीचे आ जाना, तो स्मूथ का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सेकंड रो में सेकंड नंबर पर, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इसकी सेटिंग पर जाना है, यहाँ पर आपको अपने हिसाब से 22 रखूँगा या मैं इसके अराउंड रखना है मेरे को, आप अपने फेस के हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ पे जो फ्लो है ना, यहाँ पे आपको 4 या 6 या 5 तक ही रखना है, और उसका स्ट्रेंथ भी। बस ये सेटिंग आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है उसकी, इसके हिसाब से आपको रखना है। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ ना, वैसे ही आपको अपने फ़ोटो पे करना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस को स्मूथ कर पाओगे। तो गाइस, मैं फिर दोबारा से बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना यार, फ्री है बिल्कुल, कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं इसको, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाएगी पर समझ में अच्छे से आना चाहिए ना। तो इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं वीडियो को, और मैं जल्दी से थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ इसको, फेस को स्मूथ। अब आती है बात, यहाँ पे देख सकते हो आप, अगर आपको नोज़ पे करना है इसको स्मूथ, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाकर यहाँ पे इसका ब्रश की जो साइज है उसको आपको थोड़ा छोटा कर लेना, मतलब कम कर लेना है। उसके बाद आपको ड्रॉप करना है। तो ये देखो एक एग्जांपल है, बट मैंने फ़ोटो को इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखा है, उसको चाहो आप लाइक करना आपकी मर्ज़ी है, मत करना, बट फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं एक इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल्स डालता रहता हूँ अपने फ़ोटो अपलोड करके। तो वहाँ पर आप देख सकते हो, तो वहाँ पर आपको फुल HD में फ़ोटो मिलेगा। बस यही थी ट्रिक जिसको आप यूज़ करके अपने फ़ोटो को काफ़ी स्मूथ बना सकते हो, वो भी फुल HD में। तो गाइस, इस वीडियो के एंडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा फ़ोटो का डिटेल्स में, आपको बताऊंगा कि कितना
एमपी का फ़ोटो एडिट हुआ है जो स्मूथ किया है मैंने फेस को, तो काफ़ी फुल एचडी में हो जाएगा गाइस। अगर आप अपने फ़ोटो को जूम करके देखोगे ना तो पिक्सल ज़रा सा भी नहीं फटेगा, ये गारंटी है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, मैंने फुल फ़ोटो को कर दिया है अपना स्मूथ, तो इंस्टाग्राम पे अपलोड है, देख सकते हो आप जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हो सके तो फॉलो भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही मैं अपने फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, तो देख सकते हो काफ़ी स्मूथ हो रहा है फेस भी। तो गाइस ये ट्रिक काफ़ी मज़ेदार ट्रिक है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। हालांकि जो उसमें होती थी ना पिक्सल आर्ट में, वो काफ़ी अच्छी नहीं हो पाती है, उसमें थोड़ा पिक्सल फट जाते हैं, बट इसमें जो होगा ना गाइस, जहर वाली फेस को स्मूथ कर सकते हो। देख सकते हो आप, सेव करने के लिए यहाँ पे शेयर पे जाना है और सेव टू डिवाइस कर लेना, जो कि आप अपने फ़ोटो को फुल एचडी में सेव कर पाओगे। तो ये जो प्लीज़ वेट कह रहा है ना, लिखा हुआ आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है फुल एचडी में आपका फ़ोटो सेव हो रहा है। तो बैक जाने के बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं फिर से, एक ऐप बना, इसका फोल्डर बनाना है स्केच ऐप, बस मैंने ऑटो स्केच ऐप के एक फोल्डर बना लिया, डायरेक्टली सेव हो जाएगा, बट ये अपने फोल्डर में भी सेव हो जाता है। और यहाँ पे बैक चलते हैं और गैलरी में जाते हैं, इस फ़ोटो का मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल्स। तो डिटेल्स देखने के लिए देख सकते हो यहाँ पे, जो हमारा ओल्ड फ़ोटो है जो विदाउट स्मूथ है, 26 MB का है फ़ोटो, 26 का, और जो हमने अब फ़ोटो एडिटिंग किया भाई साहब, गजब का स्मूथ हुआ है फेस। तो 3 डॉट पर क्लिक करके देख सकते हो आप, तो 3 डॉट पर क्लिक करके आप देखते हैं सर साइज, देख सकते हो 39 MB का। तो काफ़ी गजब ट्रिक है जिसको आप यूज़ करके अपने फ़ोटो को काफ़ी स्मूथ बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ अगर ज़रा से भी पसंद आई ना, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अभी तक आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी हम इंटरेस्टिंग वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी आपको।